2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट करा था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप अफसर से फाइनल एग्जिट वीजा अप्लाई करते हैं तो आप दोबारा सऊदी अरेबिया काम करने के लिए वापस नहीं आ सकते। आज के इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि अफसर में क्या क्या ऑप्शन हैं जिसके द्वारा आप फाइनल एग्जिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, एग्जिट री एंट्री वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है, पहले क्या होता था कि कंपनी या कफिल हरूब लगा दिया जाता था अगर आप कहीं चले गए उनको बिना बताए हुए, लेकिन अब ये हरूब वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है और आपके पास टर्मिनेट करने के बाद एक मैसेज आता है कि आपके पास 60 डेज का टाइम है। इन 60 डेज के अंदर या तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट या तो आप अपना फाइनल एग्जिट वीज़ा लगवा लें या तो किसी दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले लें। इसी तरह का एक आदमी का मैंने फाइनल एग्जिट वीज़ा अफसर के थ्रू लगाने का कोशिश किया लेकिन उनका नहीं हुआ, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। पहले बात करते हैं अफसर में क्या क्या ऑप्शन हैं हमारे लिए। 2 ऑप्शन हैं, ये कोई नया ऑप्शन नहीं है, पुराना ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपना एग्जिट री एंट्री वीज़ा 30 दिन का सिंगल एंट्री लगा सकते हैं और फाइनल एग्जिट वीज़ा भी अपने आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं कि जब आप एग्जिट री एंट्री वीज़ा लगाएंगे, मतलब अप्लाई करेंगे अफसर के थ्रू, तो आपका जो स्पॉन्सर है उसके पास 10 दिन का टाइम रहेगा उसको रिव्यू करने का, उस रिक्वेस्ट को रिव्यू करने का। उन दौरान अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं 10 दिन के अंदर तो 11 से 15th डे 5 दिन आपके पास रहेगा, 11वां डे से 15वां डे तक आप अपना एग्जिट री एंट्री वीज़ा का फीस पे करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका स्पॉन्सर वीज़ा को रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है तो वो रिक्वेस्ट जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास में और ह्यूमन रिसोर्स के पास में, वो भी उसे रिव्यू करेंगे, इसके बाद वो उसे आगे फैसला देंगे। लेकिन ये सारा काम 10 दिन के अंदर ही होगा कि 10 दिन के अंदर कंपनी भी आपका रिव्यू करेगा, अगर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया तो वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और ह्यूमन रिसोर्स भी रिव्यू करेगा, और 10 दिन के अंदर अगर कंपनी नहीं करता है तो आपके पास 5 दिन है अपना एग्जिट री एंट्री वीज़ा सिंगल एंट्री का अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अफसर से फाइनल एग्जिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा है उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है कि आपका जो इकामा है वो 3 महीने के लिए मिनिमम वैलिड होना चाहिए और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप अपने अफसर में लॉग इन करके आप देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस जगह में अफसर में पहुंच सकते हैं जहां पे ये सारी बातें लिखा हुआ। ओके, अब बात करते हैं फाइनल एग्जिट वीज़ा के बारे में। आप अपना फाइनल एग्जिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं अफसर से, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस हैं कि आपके ऊपर कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं होना चाहिए, आपका जो स्टेटस है वो डेड नहीं होना चाहिए, हरूप लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें, ये सारे कंडीशंस हैं फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाने के लिए। अब उन लोगों का क्या होगा जिनका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है, जिनका हरूप लगा हुआ है, क्या वो अपना फाइनल एग्जिट वीज़ा अफसर के थ्रू लगा सकते हैं या नहीं सकते हैं? वो अपना फाइनल एग्जिट वीज़ा अफसर से नहीं लगा सकते। मैंने ये प्रैक्टिकली ट्राई करा कि एक आदमी था जिसका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया था, जिसको आप हरूप बोल दीजिए सिंपल भाषा में, तो उनका फाइनल एग्जिट मैंने अफसर से उनके ही अकाउंट से लगाने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं हुआ। वहाँ पे नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा कि अगर आप अफसर से फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाएंगे तो दोबारा काम करने के लिए सऊदी नहीं आ सकते। अब उन लोगों को अगर एग्जिट जाना है तो कैसे लगेगा, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है तो 60 डेज के अंदर आपको आपका या तो कंपनी चेंज करना है, स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र कर लेना है या तो आपको एग्जिट लेना है, तो उसके लिए एग्जिट लेने के लिए आपको जवाजात जाना पड़ेगा और ट्रांसफ़र लेने के लिए किसी भी कंपनी को आप कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेजेगा, वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पुराने कंपनी के पास नहीं जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं, फाइनल एग्जिट वीज़ा भी ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अफसर में आप ये सारे ऑप्शंस
कहाँ से पढ़ सकते हैं? अपने अफसर अकाउंट में आप लॉगिन कर लीजिए, वहाँ पे जो होम पेज आएगा वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सर्विसेज का एक ऑप्शन होगा, उसके नीचे इंक्वायरी का ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए। फिर पासपोर्ट का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाइए। फिर वीज़ा रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाइए। इसके बाकी सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको भी जानकारी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको अफसर के बारे में पता नहीं है, ये सारी बातें पता नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें तभी पता होता है जब आप खुद करते हैं। मुझे भी पता नहीं था, मैंने उस लड़की के लिए करा तो मुझे भी पता चला और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।